हाय। ये पहाड़ी में बात करेंगे ना, शाहरुख खान पहाड़ी में बात कर रहा है, ए गोवा दिया डल्ला सुट्या, मतलब कैसा लगेगा ना? मार भी खाना पौंदी, फिरका भी सुनना पौंदी, बड़ा कुछ करना पौंदा। लेकिन जब शूट चला होता है बाद में, शूट के दौरान अगर हंसते तो इतना गुस्सा आता है। मैं तो अखिता दीदी ज्यादा शैतान लगते हैं। नहीं तो मैं तो छोरू मां दंदा मां अपना आधा आ गया वहां कने दम होई है तू ते भी बात करे मेरी तो महादेव का नाम सबसे पहले आए और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम आपको हिमाचल के सितारों के साथ मिलवाते हैं। तो आज हम जिस टीम के साथ मिलने के लिए आए हैं ये ना तो किसी पहचान के मोहताज रह गए हैं। तो दोस्तों आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं हमारे अपनी कांगड़ा गर्ल्स की टीम के साथ और आपके अपने राहुल भाई के साथ जिनका नाम महादेव चाइल्ड है। तो दोस्तों आइए आपको मिलवाते हैं कांगड़ा गर्ल्स की टीम के साथ। भाई हाय हाय। तो दोस्तों अब ये सवाल जवाब का सिलसिला हम राहुल राजपूत जी से शुरू करते हैं। तो भाई जी आपके लिए पहला सवाल ये कि आपकी इस प्यारी सी आवाज का क्या राज है जिसकी हर एक लड़की दीवानी है? जी इसका कोई राज नहीं है, बस वैसे ही जेनेटिक भी है क्योंकि हमारे घर में ना, अगर आप घर वालों से मिलेंगे, मेरे पापा जी की दादा जी की सबकी आवाज़ें ऐसी ही है, मतलब भारी भरकम हैवी वॉइसेस, तो मुझे लगता है ऐसे ही जेनेटिक। तो अगला सवाल जो है वो अक्षिता दीदी आपसे है। हमने कुछ टाइम पहले आपकी एक बायोपिक बनाई थी जिसमें कि मतलब एक हमें कमेंट आया था कि अक्षिता खैरा डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ और मैं एक कॉमेडियन हूँ। तो आप टाइम टाइम पर बांका का इलाज करते रहते हैं उसके बारे में? जरूरी है, जरूरी है इलाज करना, नहीं तो सर पे चढ़ जाएंगे, जब तक दवाई नहीं दे तब तक काम बंदा ठीक रहता। हाँ जी वो तो हम बॉबी भाई के साथ भी देख चुके हैं। जैसे कि लुक्का भाई, महादेव चाल भाई ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपने ब्लॉगिंग के लिए क्यों नहीं सोचा? मेरे पास तो वैसे ही इतना बड़ा चैनल है लड़कियों का कांगड़ा गर्ल्स नाम से, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को दो चैनल बनाने चाहिए, क्योंकि मुझे एक चैनल से ही अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, तो जरूर नहीं मेरे को दूसरा चैनल भी बनाना पड़े। तो इसलिए ये जब जो भी है वो इनके लिए ही है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। अगला सवाल जो है वो राहुल भाई जी से है। जी। भाई जी जैसे कुछ टाइम पहले हमने आपकी स्टोरी देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें आपने ओगी एंड द कॉकरोचेस जो है उसमें अपनी वॉइस ओवर की थी, तो क्या आगे भी इससे रिलेटेड हमें कुछ पहाड़ी में प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं? हाँ पहाड़ी में अभी तो ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, बट हाँ पहाड़ी में भी सोच रहा हूँ कि अगर पहाड़ी में जैसे कार्टून्स होते हैं या फिल्मी एक्टर्स होते हैं, अगर ये पहाड़ी में बात करेंगे ना, शाहरुख खान पहाड़ी में बात कर रहा है, ए गोवा दिया डल्ला सुट्या, मतलब कैसा लगेगा ना, कैसा साउंड करेगा। तो अभी ऐसा किया तो नहीं है, बट सोच रहा हूँ कि जल्द ही ऐसा कुछ अपलोड किया जाए। फिलहाल तो जैसे हमने बॉबी भाई से भी सुना है कि आप मतलब मुंबई में एक कंपनी है उधर करते हैं वॉइस ओवर। मुंबई नहीं, एक्चुअली दिल्ली की कंपनी एक कार्टून एजेंसी है, तो उनके लिए काम करता हूँ। जो जैसे आजकल आज एनिमेटेड देख रहे हैं यूट्यूब पे, बड़ी सारी होती है कहानियाँ होती है बच्चे देखते हैं, तो वैसे ही कार्टून कंपनी। तो दीक्षा जी अगला सवाल आपसे है, जैसे कि आपकी जो वीडियो शूट होती है तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मार भी खाना पौंदी, फिरका भी सुनना पौंदी, बड़ा कुछ करना पौंदा, पर बाकी भाई तो पूछ लिया क्या क्या करना पौंदा। नहीं अपनी जवानी दसते है ना क्या करना। सही था वैसे मैं पर ही नहीं है, जवानी सुन के था खराब है, मैं जिद्दी वाली खा रही है, मन दी नहीं मनमानी करनी। एक्चुअली जब शूट होता है हमारा ना, तो इसका तो मिजाज ही अलग होता है कि मैं छोटी हूँ तो मेरे को कोई कुछ बोले ही ना। लेकिन जब शूट चला होता है बाद में, शूट के दौरान अगर हंस दे तो इतना गुस्सा आता है ना, तो फिर इसकी मासूमियत देख के ना सारा गुस्सा पिघल जाता है। जैसे तो, भाई आपकी हम वीडियो देखते हैं उसमें तो अक्षिता दीदी ज्यादा शैतान लगते हैं। नहीं तो एक्चुअली मैं शैतान रोल ही शैतान वाले दिए होते हैं, तो ऐसे पर्दे की बात बाद में बताऊंगा जो भी है। पर्दे में सब शैतान ही है। जैसे कि हमने आपकी ज्यादातर वीडियो देखी है उसमें जो ज्यादातर बूढ़ों वाला रोल होता है वो आपके लिए होता है, तो ये क्या बाकियों की शैतानी है जो आपके लिए ये रोल आता है, या आप खुद बोलते हो कि मेरे को ये रोल चाहिए? नहीं इनकी शैतानी नहीं, हम दोनों वीडियो लिखते हैं तो हम खुद डिसाइड करते हैं अपने अपने रोल। नहीं आपकी एक पीछे वीडियो भी थी चुगलखोर जब्बर, चुगलखोर जब्बर, उसमें
हम दोनों ने डिसाइड किया था उसमें ये अपनी दादी से इंस्पायर दादी से इंस्पायर है और ये भी दादी से इंस्पायर है क्योंकि जब भी कोई लड़का या बच्चा हमारे घर में कोई खेल रहा होता है खेल रहा होता है या फिर किसी चीज को जैसे मान लो आम हो गया अमरूद हो गए वो चुराने आते हैं दिन में तो उनको लगता है कि सो गए हैं लेकिन दादी जागी होती है वो खिड़की से देखते रहते हैं कि कौन आएगा तो किसको मैं जाने उनके जो डायलॉग होते हैं वो हम दिमाग में कैच कर लेते हैं और उनको लिख लेते हैं फिर अगला सवाल अक्षिता दीदी आपसे है ये बांका है कौन अलग अलग करेक्टर है कि एक ही पर्सन है कोई पर्सन तो एक ही है पर कभी वो छुट्टी पे चला जाता है तो कभी इसको हायर कर लेती हूँ कभी इसको हायर कर लेती हूँ पर परमानेंट वाला एक ही और उनको डराने का सिलसिला जो है हाँ वो एक्चुअली में एक कॉल आया था मुझे एक फेक कॉल था तो मैंने उसको पूछा कि हेलो आप कौन बोल रही हो तो कहता मैं ना बांका बोल रहा हूँ मैं तो छोड़ वहाँ दंदा मैं अपना आंधा है अपने वहाँ कहने दफा ये तो फिर इसने मुझे बोला कि ये जो तूने बोला इसको तू वीडियो में बोल और जैसे मैंने बोला और वो वीडियो वायरल हो गई तब से फिर बांका वाला सिलसिला और एक आपकी जो वीडियो थी भाई जी जानू तो गलत है ना उसका आपको आइडिया कहाँ से आया वो आपने एक वीडियो देखी होगी आपने वो एक लड़का लेट के बात नहीं कर रहा बोलता जानू तो सा गलत है वो वीडियो हमने देखी थी वहां से उसमें तो हमने सिर्फ एक डायलॉग चुराया था जानू तो सा गलत है वो स्क्रिप्ट तो हमने अपने आप से लिखी थी उस पर तो आप देखा जाए यूट्यूब पर तो बड़ी सारी वीडियोस बन रही हैं गाना भी है जानू तो सा गलत हां जी हां जी अगला सवाल जो है वो भाई आपसे है जी जो आपका मतलब अगर हम इंस्टाग्राम का हैंडल देख लें चाहे आपका यूट्यूब का नेम देख लें महादेव चाइल्ड तो आपके दिमाग में मतलब ये नाम आया कहाँ से देखिए मेन मोटिव तो यही था कि जब भी कोई जैसे आपने अभी नाम लिया तो बहाने से आप महादेव का नाम ले रहे हैं तो जब भी मेन सोच यही थी कि जब भी कोई मेरी बात करे या कुछ भी वीडियो देखे या कभी भी जिक्र हो तो महादेव का नाम सबसे पहले आए जैसे लोग कभी भी देखते हैं तो वो देखते महादेव चाइल्ड जा रहा है तो बहाने से महादेव का नाम आ रहा है और चाइल्ड चाइल्ड तो हम सभी चाइल्ड हैं उनके हाँ जी हम सभी महादेव के बच्चे तो अच्छा तो मैंने एक बार देखा कि आपने क्यू शिल्पा की लाइव में आपको महादेव चाइल्ड के नाम से पुकारने जी उनका भी कसूर नहीं है गर्मी इतनी ज्यादा है तो चाइल्ड की जगह चाइल्ड पड़ गई उन्होंने अक्षिता दीदी जैसे कि आपको पता ही है हमारे हिमाचल में जो ज्यादातर देखा जाए को लड़कियों को मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं और ज्यादातर रोक टोक होती है तो इसके बारे में आपका क्या संदेश है पहले होती थी ज्यादा रोक टोक पर अब आप देखो हर कोई वीडियोस बना रहा है छोटी से छोटी लड़की वीडियोस बना रही है तो मुझे लगता है इतनी रोक टोक होती है पहले की तरह अब हर कोई लड़की बना रही है और जो नहीं बनाती है उनको भी बनाना चाहिए अपना मनोरंजन होता साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए पर नहीं एक बात तो है कि बना रही हैं लड़कियां लेकिन वो एक अपने घर तक ही सीमित रह पा रही हैं वो घर के दायरे से बाहर नहीं जा पा रही हैं तो इसके लिए दीक्षा जी आप बताएं कि हमें उनको क्या संदेश देना चाहिए उनके माता पिता को क्या कहना चाहिए कि उनको वीडियो बनाने देनी चाहिए अगर जो बोलती हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है वो करने देनी चाहिए या नहीं हाँ करने के लिए अब ट्रस्ट होना चाहिए एक फैमिली का अपने बच्चों के ऊपर कभी बच्चा आगे जा सकता है क्योंकि परिवार का भी ट्रस्ट होना जरूरी है और परिवार का सहारा भी जरूरी है बच्चों के लिए करियर बनाना है तो फिर तो ये बताइए कि जब आप हमारे साथ शूट करने आते तो आपको के साथ कौन आता है फैमिली में तो यही है यही माँ यही बाप है यही सब कुछ है चल चाय ले जाओ चाय ले जाओ तो दीदी मतलब आपके बोलने का एक मतलब ये भी है कि वो भी भाई जैसा भाई भी होना चाहिए जो सपोर्ट करे हम जो भी इस वक्त है वो इसी की वजह से हम भाई जी आप इस बारे में कुछ विचार देना चाहते हैं आपकी भी ये सिस्टर्स ही हैं हाँ जी बिल्कुल मेरा तो एक फैमिली की तरह प्यार है इनसे हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं वीडियो में भी ब्लॉग में भी और ब्लॉग के पीछे भी तो अच्छा माहौल रहता है कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी जैसे मुझे बड़े सारे मेरे रिलेटिव्स भी या कई दोस्त भी मैसेज करते हैं कि ये आपके रिलेटिव्स हैं या ये आपके रिश्तेदार हैं मतलब इनके साथ बॉन्डिंग ही ऐसी है कि अपना फैमिली वाला माहौल रहता है जी दीदी आप बोल रहे थे कुछ हाँ मैं कह रही थी जैसे हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना और हमारी कामयाबी के पीछे हमारे भाई का हाथ है ये वाला दोनों हाथ है क्योंकि ये वाला हाथ तो हमेशा मेरा ऐसे रहता है हेलो अगर मैं स्कूटी भी चला रहा हूँ तो हेलो तो भाई जी वो किसकी कॉल आती है क्या बता सकते हैं आप तो अगला सवाल क्या भाई एक मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है जी जरूर
तो इस पर अगर दो लाइनें हो जाएं तो गर्मी के लिए देखो क्या बोल सकते हैं आप। मुझे लगता था पंजाब में ही बड़ी गर्मी है लेकिन कांगड़ा में बड़ी गर्मी है, पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि शाम को ठंडा माहौल होता है हिमाचल में। नहीं, और दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं गर्मी के बारे में? सर्दियों में हम धूप सेकने बाहर जाते हैं, अब धूप खुद हमें सेक रही है हर जगह पे। और हाँ, जिसको डांस करना नहीं ना आता वो क्या करे, नंगे पैर दोपहर दो बजे छत पे जाए, उसको डांस आ जाएगा। आजकल 12 बजे भी जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कांगड़ा गर्ल्स की टीम कैसी लगी, हमारे महादेव चाइल्ड भाई कैसे लगे, और फिर मिलेंगे आपके साथ नए सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू। शर्ट पे हसल वटे पर रखते अपने जूते साफ, पैर पे तो चढ़ना नहीं ना सीधा पड़ती मुंह पे लात।